जजिए जजिए जा जजिए जजिए जा आरसीएम के संग जिए जजिए जा जजिए जजिए। हेलो, वॉकमैन हर वक्त कान से लगा रहे। मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे तेरे कान जो है वो खराब हो जाएंगे, तो मेरा बड़ा कच्चा जवाब था कि 2 साल रुको, इतने पैसे मिलेंगे कि रोज भी कान बदलवाओ तो सस्ता है सौदा। नो प्रॉब्लम। तो जो चीज आपका टोटल ब्रेन, आपकी मेंटल केमिस्ट्री चेंज कर दे वो है संगत। हेलो, एक टेप डेली अटेंड ऑल मीटिंग्स। जो भी आपकी अपलाइन आपको इंपॉर्टेंट कह के गाइड करती है कि आपको ऐसी मीटिंग्स में आना चाहिए, तो आपको आना चाहिए। उसके बीच में कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर आपको अपना उस तरह का सपना आपका है और आप उसकी कुछ प्राइस देना चाहते हैं, हर चीज़ जो है वो कीमत मांगती है। जितना बड़ा सुख है, जितना बड़ा रुतबा है, उतना बड़ा त्याग आपको करना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका कुछ कमाया हुआ ऐसा नहीं है जो आप छोड़ेंगे। त्याग सिर्फ ये है कि सोना पड़ेगा, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, और आदत बदलना एक कष्टकार काम है। लेकिन हम एक मनोरंजन पूर्वक माहौल में आपको कष्ट देंगे ताकि जब घिसें तो दर्द ना हो। ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है। और स्पेशली जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं, जो ट्रेनिंग्स की बात होती है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कैजुअल बात नहीं कर रहे हैं, हम सीरियस बात कर रहे हैं। मैंने सीरियसली इसको प्रिपेयर किया है कि मुझे आपसे क्या बात करनी है, और इनमें से कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसको व्यक्तिगत रूप से मैं पालन नहीं करता। मैं अपनी तारीफ में केवल इतना कह सकता हूँ कि इन दिनों मेरा जो रूटीन है वो लगभग 20 घंटे काम करने का है, 4 घंटे सोता हूँ मैं। पता क्यों? नींद नहीं आती। ऐसा पता क्यों होता है? जब कुछ हो जाता है तो ऐसे होता है। इस दौड़ के पीछे ऐसा कोई थीम नहीं है कि और ज्यादा पैसा बने, बनेगा, बनना उसकी मजबूरी है। सिर्फ ये है कि अब काम किए बिना रह नहीं सकते। काम एक आदत है। मैं अभी एक शख्स से मिला, वो कामयाब आदमी से मिला। जब हम किसी कामयाब आदमी के सामने बैठते हैं, हम उसके साथ इस बिजनेस की बात करते हैं, तो उसको लगता है कि यार ये कहाँ आ गया ये बंदा। मैं किसी को कहूँगा कि ये हाँ जो आदमी बहुत सारा पैसा कमा रहा है, उस सामने से बोलेगा कि मेरे को तो पैसे की जरूरत नहीं है, काम इसलिए नहीं करना कि और पैसा मिले। आप मे भी आप जॉब में हो, मे भी आपकी वाइफ भी जॉब में हो, मे भी आपके पास कोई जमीन भी हो जिससे अनाज आ रहा है, मे भी आपके पास एक मकान हो जिसके किराया आ रहा है, मे भी आपके पास एक और सोर्स भी हो कमाई का, तो लोग आपको कहेंगे कि इतने सारे सोर्स, इतना सारा पैसा, पैसा खाओगे क्या? हेलो, हाँ जी, लोग आपको ये कह के डिस्करेज करेंगे कि पैसा खाओगे क्या। पैसा खाने के काम नहीं आता। अगर पैसा सिर्फ खाने के काम आता हो तो महिंद्रा काम क्यों करे, रतन टाटा क्यों काम करे? पता नहीं आपकी नज़र में क्या विचार आता है, पर मेरी नज़र में तो एक ही ख्याल आता है, काम जो है मर्द का श्रृंगार होता है, मर्द काम के साथ अच्छा लगता है। अगर आप इसको रेशो में बांटे तो पहला 30% काम इसलिए करना है क्योंकि काम करना, काम के बिना रह नहीं सकते। क्लियर? अगला 30% काम इसलिए करना है, अव्वल दर्जे का काम करना है। हेलो, और अगला 10% इसलिए करना है कि नंबर 1 पे जाना है। गोल तो होना चाहिए कहीं भी पहुंचे, 70 हो गया मेरा ख्याल। अगले 30% इसलिए काम करना है कि हर जिंदगी में कुछ खुराफाते हैं, हर जिंदगी में कुछ दर्द है, इतने मसरूफ हो जाओ कि वो इसमें डूब जाएं। क्योंकि दिमाग की एक फितरत है, दिमाग उस खेत की तरह है जिसमें यदि आप अच्छे बीज नहीं डालोगे तो कुछ ना कुछ तो उगेगा। अपने दिमाग को एक अच्छा मिशन है जिसमें आप लोगों को नई जिंदगी दे सकते हो। हम लोगों को डिग्निटी ऑफ वर्क सिखाते हैं, हम लोगों को स्नेह प्रेम सिखाते हैं, हम लोगों को काम की आदत डाल रहे हैं, हम नेशन को ऊपर उठाने का संकल्प लिए हुए हैं। तो ऐसे काम में अगर हम अपने को डुबो दें, मस्त हो जाएं, तो बुरा ही है क्या? ताकि कोई खुराफात तंग ना करे। हेलो, कोई गम ना सताए जो हो गया सो चला गया। पुट योर हार्ट, एक स्पिरिचुअल लीडर है, उनकी एक किताब है, नॉर्मन विल्सन पील उनका नाम है। सकारात्मक सोच की शक्ति हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। इंग्लिश में उनका टाइटल है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उन्होंने एक जगह लिखा कि थ्रो योर हार्ट बिहाइंड द बार, योर बॉडी विल सक टू दैट। ऐसे करो कि जैसे आपने दिल निकाल के दीवार के उस तरफ फेंक दिया, तो क्या होगा? बॉडी अपने आप उसकी तरफ खींच चली जाएगी। तो इस तरह से अपने आप को इसमें लगाएं कि आपको अपने चाह के कुछ नहीं करना पड़े। पॉसिबल है? मैं कोई ज्यादा भारी भरकम बात तो नहीं कह रहा, बात सिंपल सी है, मेरा अंदाजे में यहां कुछ गलत हो सकता है। अटेंड ऑल मीटिंग्स फंक्शंस, ऑल मीन ऑल कमिटमेंट आपकी अपने से है, क्योंकि इससे आपके सपने जुड़े हुए हैं, इससे आपके ड्रीम्स जुड़े हुए हैं, और इससे बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स जुड़े हुए हैं। एंड 7th one इज बी ए टीम प्लेयर, टीम की भावना से काम करें। सबके वेलविशर होकर काम करने की जरूरत है। सिर्फ मेरे खेत में बारिश हो नहीं चलेगा, सबके होगी तो आपके होगी। अगर आप ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ मेरे खेत में बारिश हो, तो ऐसा हो सकता है कि सबके खेत में हो आपके ना हो।
टीम की भावना और टीम प्लेयर होने के जो कुछ गुण हैं, पहले तो कोर पर्सन जो कमिटेड है सारी इन सब चीजों के लिए, सिस्टम में ढलने के लिए, अपने आप को इस रंग में रंगने के लिए जो तैयार है वो कोर पर्सन है। टीम प्लेयर कौन है? जो कुछ दायित्व अपने ऊपर लेता है। ये मीटिंग हो रही है, सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन इसकी बुकिंग कराने के लिए किसने टाइम निकाला? ही इज द टीम प्लेयर। साउंड सिस्टम किसने अरेंज किया? 2 घंटे पहले किसने चेक किया कि यहां पर कुछ और तो नहीं चल रहा, इस हॉल में सफाई हो गई क्या? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और जिम्मेवारी का एक असूल है, ये कभी भी दी नहीं जाती, ली जाती है। बी ए टीम प्लेयर, जिम्मेवारी ले। और 2 खूबियां टीम प्लेयर की क्या होनी चाहिए? फर्स्ट वन इज काउंटेबिलिटी। काउंटेबल होना यानी किसी को उत्तरदायी निर्धारित करना, अपना बॉस खुद मनोनीत करना। अपलाइन बॉस नहीं है, लेकिन आप उनकी नजर में ऐसे काम करें कि जैसे मैंने उनको पूरी पूरी रिपोर्ट देनी है, 1 इंच नीचे 1 इंच ऊपर नहीं चलेगा। काउंटेबिलिटी, जो भी आपके बीच में लेन देन है, वो हिसाब है, व्यवहार है, वो एकदम क्लियर हो। कभी हमारे बीच में प्रोडक्ट को लेके लेन देन हो सकता है, और जो एजुकेशन मटेरियल है, कोई टेप है, कोई बुक्स है, उसके उसको लेके लेन देन हो सकता है। उधार हो गया अपलाइन के साथ, और अपलाइन मीटिंग में बुला रही है, आप इसलिए नहीं आ रहे कि पैसे देने पड़ेंगे। हेलो, बिजनेस भी क्या, काम भी क्या, काउंटेबल हो जाए। और दूसरा कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास। अभी मैं सुखविंदर जी से बात कर रहा था शाम को, मैं आजकल जिस व्यक्ति को साइन करता हूँ अपने ग्रुप में, जिसको मैं तय करता हूँ कि अब मुझे इसके साथ काम करना है, तो मैं उनसे अलग से पूछता हूँ कि भाई तुमने जिंदगी में पहले क्या किया है एमएलएम में? कोई बात नहीं, हमारे साथ भी रसभाइयाँ हैं मेरे माँ जी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, कि आपने पहले क्या किया है, नो प्रॉब्लम, पर हम मिलकर काम करेंगे। पहले एक कमिटमेंट तुम्हें लेनी पड़ेगी कि ये तुम्हारी आखिरी MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये तुम्हारा आखिरी प्रोजेक्ट है, अगर तुम्हें मंजूर है तो हम मिलकर काम करते हैं। हेलो, एट ए टाइम आप हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकते, एट ए टाइम आप कांग्रेस के सेक्रेटरी, बीजेपी के प्रधान और मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि ये आइडियोलॉजी का बिजनेस है। आइडियोलॉजी, लोग आइडियोलॉजी में फेथ करते हैं, और आपको बीइंग लीडर लोगों को अपने आइडियल को फॉलो कराना है कि मैं ऐसा हूं, मेरे जैसे हैं वो मेरे साथ आए। हेलो, पहले हमें एक अपने आप को स्वरूप देना है इन 8 शिकंजों में अपने आप को कस के, कि भी मैं ऐसा हूं, अब ऐसा जो भी है वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। आपकी कमिटमेंट, लगातार प्रयास। किसी बड़े लीडर की आप पे नजर पड़ेगी, उसमें 3-6 महीने लग जाएंगे। जसविंदर जी को आइडेंटिफाई किया, मेरी इनसे मुलाकात कब हुई? इनकी बिजनेस की मेच्योरिटी 2 महीने की हुई, 3 महीने, आज यहां नहीं आते, शायद और 4 महीने निकल जाते। अब मैं इनके साथ टाइम लगाने के लिए तैयार हूं पर्सनली, और मैंने इनसे कमिटमेंट लिया है, लिया नहीं ली, ताली बजाने इनके लिए। चूंकि आज की डेट में डॉक्टर गगनदीप सिंह का टाइम कीमती है, अगर आपके मन में यह है कि चलो दर्शन करके देख लेते हैं फिर कुछ और देख लेंगे, तो जितना समय वो आपको देंगे वो उनका जाया चला जाएगा। और मैं माफी चाहता हूं, ये बात पूछे ना हर आदमी से, ये डुप्लीकेटेबल नहीं है, कि आप जो भी साइन करने वाला हो आप उसको पहले ये शर्त लगाएं कि पहले भाई पर नोट लिख। सेंसिटिव विषय है, सम टाइम सम वेयर यू कैन यूज दीज थिंग्स, अदरवाइज आप ये मान के चले उसको इंडायरेक्टली ये मैसेज हो जाए कि भाई ये सीरियस जॉब है, ये बहुत सीरियस काम है। ऐसा नहीं कि 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 लग, ऐसा इतना बड़ा आप काम कर सकते हैं, 10-20 बिजनेस आप नहीं कर सकते। थैंक यू। बी ए टीम प्लेयर, अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। 8th one इज फॉलो द सिस्टम। सिस्टम है टेप्स, बुक्स, फंक्शन, लेकिन इसके पीछे जो इसका मूल भाव और है, जिसको हम इसके माध्यम से हमें जो सीखना है, वो 3 चीजें जो है 8th point फॉलो द सिस्टम, उसके अंदर जो ऐसे ABCD 4 चीजें हमने जो करनी है वो बहुत महीन है, थोड़ा ध्यान दें। पहला इस इंडस्ट्री का सिद्धांत है एडिफिकेशन, अच्छा बोलना, बनाना, बढ़ाना। एडिफिकेशन के ऊपर 2 वॉल्यूम में एक टेप आ रहा है, क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है, अभी 2 वॉल्यूम उसी में और ऐड होने हैं। अभी मैं एक शब्द में आपको बता रहा हूँ एडिफिकेशन के मायने हैं बनाना, बढ़ाना, अच्छा अच्छा बोलना, अच्छा अच्छा करना। ये हमारे स्वभाव में शामिल होना चाहिए, कि आज के बाद हमारी जिंदगी का ये नियम बन जाए कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई अच्छा विचार आए, अच्छा ख्याल आए, अच्छी बात करने को मन करे तो मुंह खोलना है, नहीं तो चुप रहना है। और आज तक की लाइफ में हम रिवर्स करते आए हैं, अच्छा लगता है तो हम चुप रहते हैं, बुरा लगता है तो हम तुरंत उसके ऊपर कमेंट करते हैं।
रिवर्स कर, ऐसा करने से आरसीएम बिजनेस के अलावा आपका व्यक्तिगत जो जीवन है, सामाजिक जीवन है, इवन आपका जो आध्यात्मिक सुख है उसमें वृद्धि होगी, ये ग्रांटेड है। एडुकेशन बी काउंसल अपलाइन, कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं और वो आपने अपनी अपलाइन से सीखा नहीं है या उनको करते हुए देखा नहीं है तो उसको अंजाम देने से पहले पूछ लें कि करूं या ना करूं। और पूछने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ लोग पूछते भी गलत तरीके से, कुछ लोग पूछते नहीं है बताएंगे, हेलो कि जी वहां जी मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है ना, तो जवाब पता क्या हुआ, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, क्योंकि इधर नियम क्या है, बुरा बोला ही नहीं है, सिर्फ अच्छा बोलना, क्योंकि मैं अगर आपको रोकूंगा तो आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे उससे, आप कोई भी आदमी चाहता कि कोई मेरे को सलाह दे, क्योंकि मैं भी एक लॉ फॉलो कर रहा हूँ। कुछ लोग पूछते नहीं है, बताते हैं, मैं बचपन में ऐसा करता था, हमें पता था कि पेरेंट्स किस काम के लिए अलाउ करेंगे किस काम के लिए अलाउ नहीं करेंगे, तो जहां ग्रंटेड होता कि इस काम के लिए तो उन्होंने अलाउ करना ही नहीं, वो पहले कर लेना, बहुत भुगता मैंने उस गलती को, अब नहीं कर रहा, वो बताना नहीं है, सूचना ही नहीं, पूछना, पूछने का तरीका क्या, पूछने का तरीका ये नहीं है कि जी मेरे सामने ऐसा है कि मैं अमृतसर में एक आदमी एक्साइटेड है और एक गोरखपुर में है, और मुझे ये बताइए कि मैं गोरखपुर जाऊं या फिर जाऊं इधर अमृतसर जाऊं, ये अच्छा तरीका है, पर ये भी अच्छा तरीका नहीं है। आप केवल मात्र उनके सामने अपने बिजनेस को ड्रॉ करें कि ये मेरा लेवल है, इतने लोग मेरे बिजनेस में है, इतने लोग मीटिंग में आते हैं, इतने लोग सेमिनार में गए थे, इतने लोग टेप सुनते हैं, इतने लोग किताब पढ़ते हैं, ऐसी स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए, दिस इज द काउंसलिंग। जो चीज, कोई भी ऐसा काम जो आपको एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से छुपाना पड़े वो कठिन नहीं है, और पूछते वक्त उनको सलाह नहीं देनी कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसा ऐसा कर लूं, मेरा मन करता है कि इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए, एक सेकंड का जवाब तट यस और नो, लंबी बात नहीं होती। अदरवाइज जो चीज बढ़ जाती है, हो चुकी होती है, जब वो नासूर बन के सामने आती है तो आप अपने नाम को भी खराब करते हैं, अपने काम को भी खराब करते हैं, आपकी अपलाइन का बिजनेस और उनका नाम भी खराब होता है। काउंसल अपलाइन। सी माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम में ध्यान दें, दाएं बाएं नहीं झांके, क्योंकि आपके पास जॉब है, आपके पास बच्चे हैं, बीवी है, घर है, परिवार है, पेरेंट्स है, ठीक है, समाज है, रिश्तेदार हैं, शादियां हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं आपके पास। आपने एक छोटा सा स्लॉट निकाला टाइम का, 2-3 घंटे का डेली कि इस बिजनेस को देना है, उस 3 घंटे में भी अगर हम फोकस्ड नहीं है तो हम इससे बहुत कुछ नहीं ले पाएंगे। इधर उधर तांका झांकी कि उसके ग्रुप में क्या हो रहा है, उसके साथ कितने मैंने जुड़ गए, वो कौन सा एमएलएम कर रहा है, इसको क्रॉस लिंक भी बोलते हैं, इसलिए और बहुत सारी मर्यादाएं हैं। आप कोई प्रीवियस बिजनेस कर रहे हैं उसको इसके साथ मिक्सअप नहीं करो। हाँ जी, मैं कल होशियारपुर में था, जिस व्यक्ति के पास मैं अपना ये आरसीएम प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, वो आदमी मेरे सामने 10 लाख रुपए के एक प्रोजेक्ट की बात के लिए इंटरेस्टेड था, लैंडस्केप्स का, जो मेरा प्रोफेशन है, तो मेरे मुंह में एक बार तो पानी आया था, तत्काल सुख, छोटा लालच, छोड़ेंगे नहीं तो कुछ बड़ा मिलने वाला नहीं है। अपने प्रीवियस काम को, अपने प्रेजेंट काम को इस काम के साथ इंटरमिंगल नहीं करें, इस काम के जरिए दूसरे काम ढूंढने की कोशिश ना करें। माइंड योर ओन बिजनेस, फोकस अपॉन द एथिक्स, द सिस्टम ऑफ आरसीएम बिजनेस, मर्यादाएं हैं कुछ, उनका पालन करें। डी, नेवर पास एनी नेगेटिव टू डाउनलाइन और क्रॉसलाइन। कोई ऐसा समाचार जो आपको लगता है कि ये सौहार्दपूर्ण नहीं है, उसको अपलाइन से कौंसिल करें, बात करें, डाउनलाइन को नहीं बताएं, पर्दा नहीं रखना, बिकॉज घर में रात को फोन की घंटी बज जाए कि कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो गई तो पहले बच्चों को उठा के बताते हैं या बुजुर्गों को? हाँ जी, बस इतना ही समझ लो, काफी है। इवन क्रॉस लाइन को भी नहीं, क्रॉस लाइन को आप एक नेगेटिव न्यूज देंगे वो आपको 10 देंगे, क्योंकि दोनों में कॉम्पिटिशन है, दोनों में आपका फाइनेंशियल। क्रॉस लाइन से बात करते हुए आप ये ख्याल रखें, अगर आप किसी क्रॉस लाइन लीडर से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो उसको इन्फॉर्मेशन पास करते वक्त ये ऐसा मान लें कि मैं अभी उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो मेरी सबसे प्रिय डाउनलाइन है, जिसके नेगेटिव होने से मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। हेलो, अगर कोई ज्यादा उंगली डालता है तो उसको ये समझा दें कि आप अपनी अपलाइन से बात करें। मैं माफी चाहता हूं कि इस विषय पर बात करने से पहले कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको डिटेल में समझानी चाहिए थी, लेकिन ये कोर्स है, इस पर अलग बात करेंगे। सो ये सारे कंटेंट्स जो हैं, जब आप अगले 90 दिन कमिटेडली, पूरी कमिटमेंट, 100% अश्योर्ड, संकल्प में एक शक्ति होती है जो अभी संकल्प लेने से ही अंदर से आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। जिस दिन आपको, आप इसमें रम जाएंगे, लास्ट बात मैं बोल रहा हूं, तब आप थकेंगे नहीं, आपको भूख नहीं सताएगी, आपको नींद नहीं सताएगी, आपको शादियां तंग नहीं करेंगी, आपके सामने एक बहुत बड़ा मकसद होगा,
ऐसा मकसद कि आप सिपाही हैं, आप जिम्मेवार हैं, लाखों लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं जिनके घर में आपकी वजह से इनकम आ सकती है। आपको लाखों हजारों चेहरे नजर आएंगे जो आपकी कामयाबी से और आपकी एक्टिविटीज के साथ सरोकार रखते हैं। उनकी ख्वाहिशें, उनकी दुआएं आपको महामानव बना सकती हैं। बंगाल में एक सेमिनार हुआ, मैं स्टेज से उतरा, एक बुजुर्ग औरत ने मेरा माथा चूमा, उसकी भाषा मैं नहीं समझा। एक व्यक्ति जो दोनों भाषाएं समझ सकता था उसने मुझे को बोला कि ये तुम्हें दुआएं दे रही थी क्योंकि इसका जो बच्चा है, बेटा एक ही जो इसका लड़का है जिसकी उम्र लगभग 19-20 साल है, वो 700 रुपए की नौकरी करता आ रहा है पिछले लगभग 9-10 साल से। उसने इस बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज की हैं और उसको 1200 रुपए का चेक आया है। मुझे पता है, मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ जानता हूँ जिनके देर वेल फ्रॉम देर यू नो बैकग्राउंड, देर यू नो फैमिली लाइफ आल्सो, अच्छी इनकम है। आपके लिए मैं भी 2-4 हजार रुपए की इनकम सरोकार नहीं रखती हूँ, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जिनके लिए 2-4 हजार एक्स्ट्रा उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। जब आप इस भाव में भर के काम करेंगे तो तब कोई और ही रंग होता है, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। बहुत सारे लोग रोज आरसीएम बिजनेस साइन करते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, जो लोग कमिटेड होते हैं, जो इसको दिल देते हैं, जिनके साथ मकसद होते हैं, जो ग्रुप में बैठते हैं आके, उनके इर्द गिर्द कामयाबियां बनी जाएंगी। अभी हम एक काफी सुन रहे थे, वारिस शादी हीरा विच जहान दे लख हुसन अते रांझियां दी नहीं थोड़ हीरे। हीरा विच जहान दे लख हुसन, डिस्ट्रीब्यूट बहुत है ते नहीं रांझियां दी कोई थोड़ हीरे। करन फर्क ना जान गुआवने चो, करन फर्क ना जान गुआवने तो जिना यार दे मिलन दी लोड़ हीरे। पता नहीं अपने समझ में तो नहीं आया पर अंदर बस गया। अपने आप को जब आप इस रंग में ढाल लेंगे तो आप काम करते हुए आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं। जितना करेंगे उतनी ऊर्जा और आएगी, सारी चीजें रास्ता छोड़ देंगी। परिवार के लोग रोकते हैं शुरू में, अब नहीं रोकते। पता क्यों? अब उनको पता चल गया कि ये रुकेगा नहीं, मात्रों को कोई फायदा नहीं है। अब काम काम नहीं रहा, अब कोई काम कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है? Yes. मुझे भी अच्छा लग रहा है। इट इज एंजॉयमेंट, यू नो, इट इज ब्लेस। कोई अंदर से रास्ता पूछता है? नहीं। मालिक ने इस लायक कर दिया, कोई कहे कि मेरे को बताओ, इससे बड़ा क्या मांग सकता हूं मैं उससे। एक कस्बे में एक सर्कस लगी हुई थी, छोटा कस्बा था, बड़ा तंबू था। एक हफ्ते में सभी लोगों ने सर्कस देख ली, तो मैनेजर को लगा कि ये तो फ्लॉप हो गया शो, इतना तो तंबू लगाने उखाड़ने का खर्चा बहुत ज्यादा है। सर्कस चल सकती है अगर इसमें मैं कोई नया आइटम डाल दूं। तो इस परेशानी में दाएं बाएं घूम रहा था, तो एक गांव से वो गुजर रहा था, तो उसने गांव से बाहर चौपाल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को खाना खाते हुए देखा। क्या कर रहा था? खाना खा रहा था। कैसे? दो एक टोकरे रोटियों के, 2-4 पतीले दाल के, सब्जी के, खीरा टमाटर सलाद की बोरी, और दोनों हाथ से लगा हुआ। उसको देख के उसने विचार आया कि अब सर्कस चल गई। क्या सर्कस चल गई? कि इस व्यक्ति को अगर सर्कस में आइटम के तौर पे मैं रख दूं, लोग देखने आएंगे और सर्कस चल जाएगी। उसने उसको पटा लिया, सर्कस में ले आया। उसने पूछा कि भी काम क्या करना पड़ेगा? बोला बस यही करना है। तो मान गया। वहां सुबह 9 बजे के शो की घंटी बजी, ये जो थोड़े बहुत लोग आते थे वो आए, उन्होंने एक नया आइटम देखा, उन्होंने शहर में बात की, अगले शो में हाउसफुल, 12 बजे वाले शो में 3 बजे उससे भी ज्यादा रश, 6 बजे बिल्कुल तंबू फटने को हो गया। जब रात 9 बजे का जो लास्ट शो था उसकी घंटी बजी तो बंदा गायब, मैनेजर परेशान। तो मैनेजर को लगा कि या तो ये अब टॉयलेट में होगा या जो सर्कस में मेडिकल कैंप होता है डॉक्टर के पास होगा। वो ढूंढता उसे कहीं नहीं मिला, ना किस उधर मिला ना उधर मिला, वो मिला उसको किचन में। क्या कर रहा? खाना खा रहा। उसने बोला कि चल काम का टाइम हो गया। बोला खाने भी खाने दोगे या काम ही कराओगे? अब मेरा रियल में मन करता है कि मेरे को कोई काम करना चाहिए, क्योंकि ये तो लगता ही नहीं कोई काम है। आई फील यू नो ऑनर्ड, फील ब्लेस्ड टू हैविंग सच ए नाइस कंपनी ऑल ऑफ यू। और मेरे मन से ये यू नो मेरा अपना मेरी एक नेक ख्वाहिश है कि आप जो नहीं समझे अभी तक वो कभी ना समझें, पर काम करें,
90 दिन काम करें, 90 डेज का संकल्प लें, 90 डेज दीवाने हो जाएं इसको सीखने के, और बाकी सब मालिक पे छोड़ दें। वो रहीम है, वो सबको देता है और आप उसके पात्र हैं। अभी आपको परिवार का सहयोग चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? उस माल की कृपा चाहिए, स्थितियां सामान्य हो, ये चाहिए, सब चाहिए ना, ताकि आप काम कर सकें। वो केवल एक कारण से हो सकती है कि अगर आपकी कमिटमेंट बहुत पक्की है, आपका इरादा बहुत मजबूत है, आपने किसी ऐसे बाप को मिले, ऐसे किसी फादर को मिले जो अपने जवान लड़के को बोले कि बेटे मैं तेरे लिए शराब खरीद के लाता हूं, तू पी। है ना, मिले किसी से? हाँ जी, नहीं मिले ना, जवाब दे हाँ में, यस और नो? नहीं, पर मैं मिला हूं। कैसे? एक लड़का है, वो शराब पीता है, रोज उसको रिक्शा वाला लाद के लाता है रिक्शा पे, बड़ा मना किया, मानता ही नहीं, कई बार तो मरते मरते बचा, घर वाले परेशान, तो उसके फादर उसको क्या बोलते हैं ऐसे में, बेटे तू घर बैठ के पिया कर, मैं ला दूंगा तेरे लिए, क्योंकि अब पता चल गया कि ये छोड़ेगा नहीं। हेलो, होता कि नहीं होता? एग्जाम्पल थोड़ा नेगेटिव है, मैसेज बहुत पॉजिटिव है इसमें। जब आपके इर्द गिर्द के लोगों को जब पता चल जाएगा, लोग बुरे काम के लिए आप कमिटेड हैं तो झुक जाते हैं, हेलो, तो अच्छे के लिए नहीं झुकेंगे क्या? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका विरोध वहां तक करता है जहां तक उसको अपने विरोध में विश्वास है कि मैं इतना करूंगा तो ये रुक जाएगा। हेलो, हाँ जी, ट्रेन का कोई विरोध करता कि मत चल, क्योंकि पता है नहीं रुकेगी। तो आप जब इस पूरे बिजनेस को लेके और आप इस थीम को लेके, इससे मिलने वाली उपलब्धियों को लेके जब पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे, कमिटेड हो जाएंगे, आपका विजन क्लियर होगा और सबको यह खबर होगी कि ये रुकेगा नहीं, तो तब एक ही बात होगी कि भाई जब इसने रुकना ही नहीं है तो इसके साथ लग जाओ ताकि ये जल्दी लौट के आ जाए। केवल आपकी कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट आपको कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि मैंने दिया और आपने ले लिया, ये पूरी कमिटमेंट आपके अंदर आए, ये संकल्प आपके अंदर जगे और आप अपने आप को बदल सकें, उसके लिए केवल एक ही फंडा है, माहौल। और वो माहौल आपको एटलीस्ट 90 डे बहुत कट्टर होके 8 core steps में जो 8 funds 100% प्रोडक्ट का यूज करना है, मिनिमम 1,000 रुपए की मंथली आपकी परचेज होना चाहिए, प्लान दिखाने वाले बने, खुद दिखाएं लोगों को, डेली एक व्यक्ति को दिखाएं, बहुत अच्छी किताबें हैं हमारे सिस्टम में, उसको पढ़ें आधा घंटा कम से कम, ज़्यादा पढ़ सके तो अच्छी बात, टेप प्रोग्राम है हमारा जिसके अंदर एजुकेशन है, मोटिवेशन है और नॉलेज है, एक टेप डेली सुने, सारी मीटिंग अटेंड करें, सारे बड़े फंक्शंस में जाएं, एक टीम प्लेयर की तरह काम करें, अकाउंटेबल रहें अपलाइन के साथ, कंपनी के साथ, और कंसिस्टेंसी शो करें, लगातार प्रयास करें, सिस्टम को फॉलो करें जिसमें एडुकेशन है, अपलाइन की सलाह लेना है, अपने बिजनेस पे फोकस रखना है और किसी भी नेगेटिव चीज को नीचे नहीं भेजना है, ठीक। इस तरह की ये 8 चीजें जो आप अगले 90 दिन तक पूरी कमिटमेंट के साथ अगर इनका पालन करेंगे तो ना केवल आप वैसे हो जाएंगे, आपको अपने लोगों को सिखाना नहीं पड़ेगा कि तुम भी ऐसा करो। क्लियर हो गया? हेलो, गॉट इट? और इस पूरे सिस्टम के अंदर करना क्या है? कोर बनना है, कोर बनाना है, बी कोर, टीच कोर। हेलो, और कोई काम नहीं है। इन 8 कामों को कमिटेडली करने वाला बनना है और लोगों को बनाना है। लोगों को बनाने का मतलब क्या है? लोगों को भाषण देना, लोगों के सामने बीइंग लीडर, बीइंग रोल मॉडल काम करना है कि देखो भी मैं तो कर रहा हूं, तुम करो ना करो। हेलो, क्योंकि दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप स्वयं करते हैं। हाँ जी, अभी आने वाले टाइम में सिस्टम का ये हिस्सा हो जाएगा कि कोर पर्सन की एक शिनाख्त होगी अलग पिन के साथ कि कौन कोर है और कौन कोर नहीं है। कोर मीटिंग्स अलग से हुआ करेंगी,
सिस्टम में जितनी बुक्स हैं अगर आपके पास नहीं है और डेली कोई ना कोई किताब प्रोग्रेस में नहीं है, तो आप बॉम्बे की तरफ मुंह करके दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो, कोई भी एक किताब लें, उसका सेवन शुरू करें, अंदर को जाने दें। शुरू में अच्छा नहीं लगता, खोलते नींद आती है, ऐसा ऐसा आपको उसमें आपका आनंद बढ़ेगा, अच्छा लगना शुरू हो जाएगा आपको। तो जैसा मैंने बोला कि वी आर IBOs, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, अपने पास कोई धन का प्रावधान नहीं है। हमारे पास, हम किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि तुम ये करो वरना, ये नहीं कह सकते। तो हमें स्वयं के ऊपर अपना शासन अनुशासन के साथ लागू करना है, ठीक। और एक चीज आजकल मैं खुद बड़ी महसूस करता हूं, अभी मैंने 2 दिन काम किया बाजपुर और हल्द्वानी के पास, मैंने एक स्पेशल टूर किया वहां का, कार से हम गए और वो किसी एक मीटिंग के लिए आरसीएम बिजनेस के इतिहास में मेरी सबसे लंबी यात्रा है। क्योंकि जिस लेवल पे मैं अभी काम कर रहा हूं, जहां पे जो लाइफस्टाइल है, जो इनकम है, जो रुतबा है, इस लेवल पे आके ऐसे किसी डीप डाउन में किसी व्यक्ति की पीड़ा समझना कठिन हो जाता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है, आप ऐसे ना बने, आपको तरक्की मिले, कामयाबी मिले, पर आराम से ना मिले, ये मैं चाहता हूं। सिर्फ इसलिए कि जब आपके ग्रुप में लोग संघर्ष कर रहे हो, जब आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो लेकिन दूसरों के लिए बड़ी जटिलता हो जो शुरू में होती है, तब आप सेंसिटिव हो सकें, क्योंकि आपके अनुभव से वो गुजरी हुई चीज हो, आप समझ सकें। एक दृष्टांत के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक राजा थे, उनका एक बेटा था जिसको राजा बनना था, कुछ देर बाद इस लायक हो गया था वो, लेकिन उनको उसका राज्याभिषेक हो उससे पहले उसको 1 साल के लिए किसी ट्रेनिंग में भेजा गया, किसी एजुकेशन सिस्टम में भेजा गया। पुराने जमाने में जैसे गुरुकुल में शिक्षा होती थी, तो तब उस वक्त कोई बहुत काबिल वली अल्लाह, कोई फकीर रहे होंगे जिनके पास उन्होंने 1 साल के लिए अपने बेटे को स्पुर्द किया उनके। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो डेट फिक्स हो गई, वो फकीर उनको ले गया, राजकुमार को। तो 1 साल पूरा हो गया, जब उसके आने का दिन तय था, 1 साल जिस दिन पूरा होना था और अगले दिन उसका राज्याभिषेक था, राजा बनना था उसने, तो राजा ने उसके स्वागत के लिए सब कुछ इंतजाम किए, अपने दरबारियों को, सहयोगियों को, मंत्रियों को, प्रजा को, सबको बुलाया कि आज मेरा बेटा अपनी तालीम पूरी करके आ रहा है, एजुकेशन पूरी करके आ रहा है, अगले दिन उसको राजा बनना है। तो उसके आने का वक्त हुआ, तो दरबार में जैसे ही उसके बेटे ने एंट्री की फकीर साथ, तो सारा मंजर बदल गया। राजा उस अपने बेटे का हुलिया देख के एकदम आपे से बाहर हो गया, आग बबूला हो गया। वो चीथड़ों में लिपटा हुआ था, जिस्म पे मैल, फकीर वो साथ, और अपना बिस्तरा बांध के उस फकीर ने उस राजकुमार के सर पे रखा हुआ था। तो राजा चिल्लाया कि ये क्या मजाक है, तुम्हें मैं फांसी लगा दूंगा। फकीर ने बोला, चुप, अभी 11 नहीं बजे, 1 साल पूरा नहीं हुआ अभी, हेलो, अभी इसकी शिक्षा का कुछ हिस्सा बाकी है। ये कह के उसने उसी बिस्तर से एक हंटर निकाला, एक कोड़ा निकाला, राजकुमार को नीचे लटाया और ऊपर से कोड़े चलाने शुरू कर दिए। राजा फिर उठा, लेकिन लोगों ने उसको रोका कि इससे पूछो तो सही, ये जो फकीर है ये आम आदमी नहीं है, गुरु है, आखिर कोई कारण होगा इसके पीछे। उसे पूछा गया कि ये क्या है, बोला सिंपल सी बात है, ये इसका आखिरी लेसन था इसका, मैंने सारी ट्रेनिंग दे दी इसको। क्या? कि मैंने पूरे 1 साल में इससे वो सब करवाया जिसको राजा बनने के बाद करने का इसको मौका नहीं मिलना है। क्योंकि राजा के जिस्म के ऊपर चीथड़े नहीं होते, राजा के जिस्म के ऊपर मैल नहीं चढ़ता, राजा किसी का बिस्तर नहीं उठाता और राजा के कभी कोड़े नहीं लगते। कल को जो राजा बने, कल इसके सामने ऐसे लोग होंगे, कल ये किसी से बिस्तर उठाएगा, कल ये किसी को कोड़े लगवाएगा, ताकि आज पूरे साल में हर वो चीज जो कल इसको करने को नहीं मिलनी, इसके अनुभव से गुजर जाए, ताकि जब ये ऐसे काम करे या देखे तो इसको महसूस होता रहे कि जब ऐसा होता है तो कैसा लगता है।
आपको सब मिले पर आराम से ना मिले, ताकि आप लोगों की पीड़ा को समझ सकें, उनके लिए काम कर सकें। आखिर हमें काम ही करना है बस। गॉड ब्लेस यू, फील प्राउड बीइंग अ लिटिल पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर ग्रेट लाइफ। थैंक यू वेरी मच। समय की दौड़ में चले जमाने।